नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं चिम्नी न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज की खबर। कल्याण पूर्व के कैलाश नगर में बदमाशों और दबंगों ने दहशत मचा रखी है। आए दिन यहां पर कुछ अपराधी प्रकार के लोग बेकसूर लोगों की पिटाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ जिसमें कुछ बदमाशों ने मिलकर रात के समय राह चलते लोगों की बिना वजह पिटाई कर दी। इस हाथापाई में नीरज दिनेश चौहान नामक युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका इलाज चक्की नाका के सिटी अस्पताल में चल रहा है। एक शख्स ने तलवार से नीरज पर हमला किया। गनीमत की बात यह रही कि नीरज ने हाथ से तलवार को रोका, वरना तलवार नीरज के सर पर लग के चली जाती। घायल की शिकायत पर कोलसेवाड़ी पुलिस ने हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया। हेलो, बोले कुमार शेट्टी, दही राजा, पंडित आनंद, चुआ, बहुत से लोग थे, ऐसा अन्ना, बाबू पांडे, आशीष पांडे। कहाँ रहते ये लोग सब? ये सब उधर ही रहते, आजू बाजू में सब आसले पाड़े के आधे लड़के लोग थे, आधे लड़के कहीं इधर के थे, पानी टाकी किधर के, और जो एक लड़का बस स्टॉप कैलाश नगर का, सब मिलके डायरेक्ट मारना हमला चालू किया। कितने जन को देखा उतने जन का नाम दिया। और इसकी शिकायत पुलिस में की है? हाँ, पुलिस में शिकायत किया है। हाँ, पुलिस को किया शिकायत, पुलिस को नाम भी दिया सब, और सबको खड़ा करेंगे तो और सबको पहचान लूँगा। हाँ, दही राजा, पंडित आनंद, चुआ, बहुत से लोग थे, ऐसा अन्ना, बाबू पांडे, आशीष पांडे। कहाँ रहते ये लोग सब? ये सब उधर ही रहते, आजू बाजू में सब आसले पाड़े के आधे लड़के लोग थे, आधे लड़के कहीं इधर के थे, पानी टाकी किधर के, और जो एक लड़का बस स्टॉप कैलाश नगर का, सब मिलके डायरेक्ट मारना हमला चालू किया। कितने जन को देखा उतने जन का नाम दिया। आपको बता दें कि कैलाश नगर खड़े बोलवली गैस कंपनी और आसपास के परिसरों में गुंडे, मवाली और टपोरी से भरे हुए। रात होते ही यह लोग सतर्क हो जाते हैं और फिर परिसर में उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। स्थानीय कोलसेवाड़ी पुलिस को इस परिसर में पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने मांग की है। तो ये दमाशी खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।